हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम लर्न करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर देखिए, इन दोनों रिएक्शन को हम सिंपल से ट्रिक से लर्न करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर देखिए, कल बीएमसी वाले एसी लाए, ठीक है। कल बीएमसी वाले क्या रहे, एसी लाए। तो यहाँ पर इस ट्रिक से हमारा रिएक्टेंट भी बन जाएगा और कैटलिस्ट भी हमें याद रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कल, ठीक है। कल मतलब आपको क्लोरो ग्रुप याद रखता है, देन बी, बी फॉर बेंजीन। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बेंजीन, ओके, दिस इज बेंजीन रिंग, और यहाँ पर अटैच कर देंगे क्लोरो ग्रुप को। सो दिस इज क्लोरो बेंजीन, ओके। देन नेक्स्ट एम सी, ओके, सो एम फॉर मिथाइल, सी फॉर क्लोराइड, सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3 मिथाइल एंड CL क्लोराइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड। देन नेक्स्ट कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, वाले से कुछ नहीं है, ओके। कैटलिस्ट क्या होगा, ACL, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो ALCl3, ओके, यहाँ पर है AC और ये L, ठीक है। तो आपको याद रखना है ALCl3। तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज ALCl3। ऑलराइट, तो इतना हमें पता चल गया, ठीक है। हमको इतना ही तो याद रखना है, ठीक है। अगर हमको रिएक्टेंट और कैटलिस्ट पता चल जाता है तो प्रोडक्ट तो हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि ये एक हेलोएरिन्स का कंपाउंड है, और जो हेलोएरिन्स होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, डेट इज CH3, क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, यहां पर ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और दूसरा मिलेगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस क्लोरोबेंजीन को 2 times ड्रॉ कर लेना है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको एक बार हमें कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, ऑर्थो पोजीशन पर। सो यहाँ पर एक बार हम CH3 को अटैच कर देंगे, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर पैरा पोजीशन पर, तो ये है पैरा पोजीशन, तो यहाँ पर CH3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऑलराइट। तो ये रहे हमारे दो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है माइनर प्रोडक्ट, इसका पहले हम नाम लिख देते हैं, डेट इज 1-chloro-2-methyl-benzene, ओके, 1-chloro-2-methyl-benzene, सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट। कैसे याद रखोगे कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अगर ऑर्थो पोजीशन पर आपने सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, तो ये वाला रहेगा माइनर प्रोडक्ट। अगर इलेक्ट्रोफाइल आपको दिख रहा है पैरा पोजीशन पर, तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, दिस इज 1-chloro-4-methyl-benzene, 1-chloro-4-methyl-benzene, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट ऑसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑसाइलेशन रिएक्शन में भी आपको सेम ट्रिक अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चेंजेस करना है। यहाँ पर हमने यूज किया था मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, बट ऑसाइलेशन रिएक्शन में हम यूज करेंगे एसिटाइल क्लोराइड, इसलिए एम की जगह पर आपको ए याद रखना है, AC, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप याद रख सकते हो ऑसाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के देखिए, यहाँ पर AC है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एसिटाइल क्लोराइड, और अल्काइलेशन रिएक्शन में यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, MC, डेट इज मिथाइल क्लोराइड, ओके। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, देन नेक्स्ट CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट सेम होगा, डेट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑलराइट। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट,
दैट इज सी ओ सी एस थ्री. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर सब्सटीट्यूट होगा, एक बार ऑर्थो पोजिशन पर सब्सटीट्यूट करना है हमें और एक बार पैरा पोजिशन पर. ठीक है, तो यहां पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक माइनर प्रोडक्ट और एक मेजर प्रोडक्ट. तो यहां पर हम सबसे पहले 2 times क्लोरोबेंजीन को ड्रॉ कर लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट, अभी यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सी ओ सी एस थ्री. ठीक है, तो यहां पर ये है ऑर्थो पोजिशन, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सी ओ सी एस थ्री को. ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल क्या है, सी ओ सी एस थ्री. देन नेक्स्ट ये है पैरा पोजिशन पर, तो यहां पर आ जाएगा सी ओ सी एस थ्री. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है सी ओ सी एस थ्री, इसको हमने एक बार ऑर्थो पोजिशन पर लगाया है और एक बार पैरा पोजिशन पर लगाया है. ठीक है, तो ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट. कंपाउंड का नेम क्या है, सो दिस इज 2-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone. ओके, एंड दिस इज 4-chloroacetophenone. ठीक है, तो यहां पर मैं नीचे साइड लिख देती हूँ इस कंपाउंड का नेम, दैट इज 4-chloroacetophenone. ऑल राइट, सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट. ओके, सो आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया हो. ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा तो रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है, सो अगर ये ट्रिक समझ में आई हो, ये वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.